नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईज़ हम कैसे बना सकते हैं विद पेंसिल शेडिंग। तो चलिए हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये आइस का बीच वाला पार्ट जो होता है ये सर्कल में होता है। पहले इसकी हम ड्राइंग करेंगे और उसके बाद इसकी हम शेडिंग करेंगे। अगर हमने जैसे ये आईब्रो डार्क करनी है तो हम एकदम प्रेशर से इसको डार्क नहीं करेंगे, धीरे 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 इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हल्के हाथ से।
या इसका नीचे वाला पार्ट। आइज की थोड़ी बहुत शेडो के लिए जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा हल्का हल्का कर रहा हूँ, डार्क करने से ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला नीचे लगने लग जाएगा। जैसे हमने ये डार्क करना है तो हम हल्के हाथ से इसके ऊपर करते जा रहे हैं। आपने एकदम डार्क नहीं करना है किसी चीज़ को। डार्क करने के लिए पेंसिल शेडिंग में आप क्या करोगे, हल्के हाथ से उस पर चलाते रहोगे। अब इसको थोड़ी सी और डार्क करने के लिए हम डार्क पेंसिल लेंगे 6B। ये 6B पेंसिल है हमारी। अब इसको हम मिक्सिंग करेंगे ऊपर की तरफ हल्के हाथ से।
ऐसे जैसे आईब्रो के एक एक बाल बनाने के लिए हमने पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा। अगर पेंसिल शार्प नहीं होगी तो हम इनको आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बनाएंगे तो ये मोटे बनेंगे। तो इसको हमने क्या करना, थोड़ा सा इसको शार्प कर लेना है थोड़ा सा पेंसिल को। और जितनी पेंसिल शार्प होगी उतनी ये अच्छी तरह से बनेंगे जो हम बना रहे हैं पलकों के बाल। जैसे हमने यहाँ बनाया है आईज़ में भी इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा हमें दिखाई देगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम, जैसे किनारे पर डार्क, उसके बाद हल्का 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 ऐसे मिक्स।